गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करवा कि इंपोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि आप मानकर ओएसएससी आरएचडी मेन एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 3। एथरे आम डिस्कशन करवा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। आपण मैंने चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाति भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हेन समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस। तो समेटिव इवैल्यूएशन टा केते बेले करा जाए से पचारी। समेटिव इवैल्यूएशन टा केते बेले करा जाए तो चारिटा ऑप्शन रही एंड द ईयर ना बिगिनिंग द ईयर ना ड्यूरिंग द ईयर ना एट एनी टाइम। तो आमर समेटिव इवैल्यूएशन टा केबे करा जाए ना एट द एंड ऑफ द ईयर वर्ष शेष करा जाए। ऑप्शन नंबर ए हूँ आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन्स। असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो माने कौन से पचारी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग रो माने होची समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोली कहा जाए। ऑप्शन नंबर डी होची हमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आई एम वेयरिंग ए वेडिंग रिंग डेस माय फिंगर। ये कौन प्रिपोजिशन लगे टू ऑन इन ना ऑफ। आई एम वेयरिंग ए वेडिंग रिंग डेस माय फिंगर ये कौन हम ऑन माय फिंगर मो आंगूठी उपर आंगूठी टच हो रोचे तापर रोचे से आमर कौन लगे ऑन लगे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आई विल सरप्राइज यू विथ ए ह्यूज गिफ्ट डेस योर बर्थडे। इन लगे ना ऑन लगे ना टू ना एट। तो आई विल सरप्राइज यू विथ ए ह्यूज गिफ्ट ऑन योर बर्थडे ऑन लगे स्पेसिफिक डे देखिए ऑन लगे। ऑप्शन नंबर ये कौन बर्थडे अच्छे ये ऑन योर बर्थडे हम। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ऑन योर बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देर वेर लॉट ऑफ डिशेस डैश द डाइनिंग टेबल एट ओवर ऑन ना इन। तो देर वेर ए लॉट ऑफ डिशेस ऑन द डाइनिंग टेबल कहीं डाइनिंग टेबल ऊपर अच्छी आउ आम डाइनिंग टेबल पर रही जेको जिस टच हो रोचे तो सीटा ऑन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बेबी वाज हाइडिंग डैश द टेबल अंडर ओवर ऑन ना इन टू। तो से कौन कही गोटे शिशु गोटे छुआ टेबल रे लुचिक रही लुचि टेबल रे लुचि तो कौन से ऊपर सब लुचि ऊपर तो देखा जीवो ना ऑन तो लगे इन टू टेबल भितर कौन पशी पार कि यहाँ भी हेनी ये ओवर भी होनी टेबल उपर नुह ये आमर अंडर हम अंडर द टेबल टेबल तले लुचि। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट वर्तमान पेडागोजी क्वेश्चन रही द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंग्लिश इज अल्सो नोन एज कौन कही द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंग्लिश इज अल्सो नोन एज दुटा आम स्टेटमेंट देती दुटा पॉइंट देती न्यू अप्रोच देती ओरल अप्रोच देती कौन हम आम करेक्ट आंसर चार्टा ऑप्शन रही ए बी सी डी आप देखिपड़ तो ये आम सठिक आंसर हो बोथ वन एंड टू न्यू अप्रोच हम ओरल अप्रोच हम। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो से पचारी ये करेक्ट प्रिपोजिशन कौन लगे से पचारी वी स्टेड डैश सिंगापुर फॉर वन वीक एट टू इनसाइड नाइन। तो ये कौन हम टू तो लगभग ये आप सिंगापुर लार्ज एरिया बताऊँच से इन लगे एट लगे एट आप लगे कहीं लार्ज एरिया सिंगापुर गोटे कंट्री गोटे कंट्री तो आम कौन हम ना ये आम इन लगे वी स्टेड इन सिंगापुर फॉर वन वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल आर टू एनेबल द स्टूडेंट्स। से कहे जे आमर एलिमेंटरी लेवल बा प्राइमरी लेवल रे आम इंग्लिश शिक्षा दौर तार उद्देश्य कौन स्टूडेंट मान को कौन माने तांको स्ट्रेंथ दबो टू लिसन इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली टू रीड विथ इजी टू लर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आमर एलिमेंटरी लेवल कहे प्राइमरी लेवल रे से इंग्लिश सुनिब इंग्लिश कहिब करेक्टली आउ सहजरे पढ़िब ए तीनटा जाक तार तीनटा जाक से करें तीनटा जाक तार रिगार्डिंग करेक्ट अटे किंतु टू लर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आमर जटिल वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सी शिखब यहाँ एलिमेंटरी लेवल रे स्टार्टिंग रे ये के संभवपर नुह। तो ऑप्शन नंबर आमर
ए हिज योर करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर। ये तीन टा देखो तारे गेडिंग ठीक अटे, एटा हमर केबे भी नहीं। ऑप्शन नंबर एटी ए हूँ करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीएफ 2005 गाइडेड दैट द गोल्स फॉर सेकंड लैंग्वेज करिकुलम आर डैश। से कहते आम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आसी तो आमर जो रही सेकंड लैंग्वेज आम करिकुलम रही था से कौ टाइप से पचार टू फोल्ड। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, टू फोल्ड। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड अलोंग विथ LSRW एट सेकेंडरी लेवल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सेकेंडरी लेवल कही तो सेकेंडरी लेवल रे आम इंग्लिश शिक्षा दि जाऊँ तो सीट LSRW आस कहीं आम सेकेंडरी लेवल टेन्थ आमर जो रही टेन्थ अष्टम नवम दशमी गुड़क आम सेकेंडरी लेवल से समय कौन LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग आम शिखा जाऊँ तार उद्देश्य से पचार कौन उद्देश्य हम क्रिएटिविटी आप्रिसीएसन दुटा देती तो यहाँ कौन हम ओनली वन करेक्ट हे ना टू करेक्ट हे ना बोथ वन एंड टू ना कौटा भी नुहे तो ये करेक्ट आंसर जी बोथ वन एंड टू क्रिएटिविटी एंड आप्रिसीएसन तो ये ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द इयरली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन डैश। से कहते आमर जो रही आमर एक्सपर्ट टीचिंग एक्सपर्ट अनुजाई आमर लांगुएज शिखा जार्ली एजुकेशन से फास्ट आमर से कहते अकॉर्डिंग टू द लांगुएज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ चाइल्ड शुड बी तो आमर जो स्टार्टिंग रे नुआ नुआ स्कूल जाऊँ तो पिला केमती शिखा दरकार इंग्लीशा भाषाटा केमती शिखब से केमती से स्टार्ट कर तो से प्रथम फास्ट लांगुएज स्टार्ट कर कौन ना फास्ट लांगुएज रु स्टार्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लीश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज इंग्लीशा को लिंक लैंग्वेज भी इंडिया रे व्यवहार करा जाउछि कारण कौन से पचार इंग्लीश इज टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज मोस्ट बुक्स जर्नाल्स मैगजीन्स आर रिटन इन इंग्लीश इंग्लीश हेल्प्स द यंग टू गेट जॉब इन IT सेक्टर इन इंडिया हेज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीसेक्टरल सेटिंग्स तो इंग्लीशा गोटे लिंक लैंग्वेज इंडिया रे कारण इंडिया हेज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग्स इंडिया रे बहुत गुड़ाए भाषा रही बहुभाषीय देश आमर गुजराती अच्छी तमिल अच्छी मालयालम अच्छी केरल आमर कानाडी अच्छी ओडिया अच्छी बेंगली अच्छी बहुत भाषा अच्छी ता सहित मल्टीकल्चरल समस्त कल्चर संस्कृति समस्त अलग अलग रही है से इंग्लीशा आमर लिंक लांगुएज रूप व्यवहार कर। ऑप्शन नंबर डी होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को आम यूज कर कौ जगह से पचार तो चार ऑप्शन देती चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मोटिवेट द लर्नर इम्प्रूव द टीचिंग ऑल ऑफ द एबव तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को आम यूज करोटी ना टीचिंग को इफेक्टिवनेस होना चेक करने आमर शिक्षणटा प्रभावशाली कि नहीं सेटा को चेक करने मेजरमेंट इवैल्यूएशन को यूज कर पारिबा आउ लर्नर मान को मोटिवेट करने मेजरमेंट इवैल्यूएशन यूज करिबा मेजरमेंट इवैल्यूएशन द्वारा कौन ना आम कौन करिबा ना तोर टेन्थ रे हिस्ट्री रे 50 रु 30 तार 20 आसी तो सेठी पिला तार 30 आसले मोर 20 आसले सेठी ता मन आसीबो जे मु भलसे पढ़ी आ मोर भल मार्क आसीबो तो सेठी ताकु मोटिवेशन मिलुची तो मोटिवेट मध्ये होचंती आमर इवैल्यूएशन मेजरमेंट द्वारा ता सहित आमर टीचिंग रे इम्प्रूवमेंट होउची काहेकि ना आमर इवैल्यूएशन करा जिवो मेजरमेंट करा द्वारा गला परे कोथरे तार वीकनेस रहिची से मैथ रे 100 रु 20 आनला तो से तार वीक पॉइंट रही तो सेटा को से रेमेडियल टीचिंग माध्यम रे ताकु जो गैप रोचे से इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इम्प्रूवमेंट हो तो तीन टा जाक आमर हो तो ऑप्शन नंबर डी होल अफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी होल अफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर से कहते लर्निंग रे असेसमेंटा कौन पर अत्यावश्यक अटे तो ये आम करेक्ट आंसर जो कौन ना मोटिवेशन लर्निंग रे असेसमेंट आमर अत्यावश्यक कारण मोटिवेशन दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन एरिया इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज से कहते आमर गोटे स्टूडेंट रो ग्रोथ के
तार कौ एरिया ग्रोथ करी आउ सेल्फ रिफ्लेक्शन तार निजर प्रतिफलन आउ अचीवमेंट गुड़ाक स्टूडेंट मानक कलेक्शन करके गोटे एरिया रखा जाए कौन कहुए से पचारि से कौन कहुए पोर्टफोलियो कहुए कौन कहुए ना पोर्टफोलियो कहुए ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे इन कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन द फ्रेज कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इंडिकेट्स से कहे आमर सीसी रे कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कौन इंडिकेट करुच्छे कौन संकेत करुच्छे कौन सूचाउछि से पचारिछि तो ये मुझे डायरेक्ट आंसर कर रखुच्छे ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन ऑप्शन नंबर सी है आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीसी आपण सिलेबस रे सीसी रही जहाँ कि सिलेबस रही सिलेबस को लेकिन मुझे क्वेश्चन आनी तो से पचार सीसी रिगार्डिंग कौ स्टेटमेंटा सत्य नुहे से पचार तो चार ऑप्शन रही इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इट रिड्यूस स्ट्रेस अमंग द लर्नर इट इज यूज ग्रेड इनस्टेड ऑफ मार्क्स इट इनक्रीज बर्डन ऑन द टीचर्स कौ स्टेटमेंटा ठीक नुहे से पचार तो इट इज स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन यहाँ ठीक अच्छे आम स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन मूल्यायन यहाँ भी ठीक अच्छे इट रिड्यूस स्ट्रेस अमंग द लर्नर शिक्षार्थी मानक जो प्रेसर रोला चाप रोला से कम करुच्छी यहाँ भी ठीक अच्छे इट यूज ग्रेड्स इनस्टेड ऑफ मार्क मार्क बदल में ग्रेड दूसरी जहाँद्वारा पे मानक जो फरक डिफरेन्स तार ये मार्क से मतभेद आज ये रोला से दूर हो तीन टा जाक सीसी रिगार्डिंग ट्रू अटे तो ऑप्शन नंबर डी रही इट इज इनक्रीज द बर्डन ऑफ टीचर टीचर पर बोझ यहाँ के स्टेटमेंटा ठीक नुह टीचर पर सीसीटा टीचर पर गोटे बोझ रोच बोझ बढ़ाऊँ यहाँ ठीक नुह ए स्टेटमेंटा ठीक नुह ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन से कहे कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो मतलब कौन माने कौन से पचार कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो माने होची कौन से पचार तो कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रो मीनिंग होची इवैल्यूएशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट माने आमर डेवलपमेंट सब दिगर डेवलपमेंट करवा आमर सब दिगर गोटे पिलार सर्वांगीन विकास करवा कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन बा सीसीई रो मूल लक्ष्य सीसीई रो मूल लक्ष्य होची गोटे पिलार बा गोटे स्टूडेंट रो सर्वांगीन विकास करवा सब दिगर तार स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक कॉग्निटिव को कॉग्निटिव सब एरिया से डेवलप करबो बा कवर करबो तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे छी कंटीन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट प्रमोटिंग तो कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन टा आम मेनली कौन प्रमोट कर तार लक्ष्य कौन से पचार कंपिटिशन एम चिल्ड्रन पिला भितर आम कंपिटिशन करवा ना टीचर भितर कंपिटिशन करवा ना आम चिल्ड्रन पिला मानकर एकेडमी एक्सीलेंस ये करवा तो कौटा ना इनक्लूसिव एजुकेशन तो करेक्ट आंसर होची इनक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सीसी सीसी रिगार्डिंग कौटा ट्रू नुहे से पचार आमर जो कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रही रिगार्डिंग कौ स्टेटमेंटा कौ उक्तिटा सत्य नुहे से पचार इट फोकसेस ऑन को स्कॉलास्टिक एरियाज ऑल्सो इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग इट रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी ऑफ द स्टूडेंट्स कौटा सत्य नुहे से पचार इट फोकसेस ऑन को स्कॉलास्टिक एरिया ऑल्सो दे खाली को स्कॉलास्टिक ओनली देता था ही था कहीं सीसी स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक दुटा को एरिया को फोकस करुच्छी तो से कही ऑल्सो कही मैंने से स्कॉलास्टिक तो रोसत तो ऑल्सो मैंने को स्कॉलास्टिक मध्य जाऊँ तो यहाँ ठीक अच्छे इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट कही सीसी आम सर्वांगीन विकास करूर्वर आम डिस्कसन कले यहाँ भी ठीक अच्छे स्टेटमेंट भी ठीक अच्छे आउ इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग यहाँ टाइम कंज्यूमिंग नुह कि पनिशमेंट सीसी रो मतलब पनिशमेंट देवा यहाँ नुहे तो ये स्टेटमेंट आम ठीक नुहे आउ इट इज रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ द स्टूडेंट स्टूडेंट मानक जो चाप रोच प्रेसर रोच जो रोज स्ट्रेस रोच एंजाइटी रोच से गुड़ाक कम करें यहाँ भी ठीक अच्छे सीसी कम करता है यहाँ भी ठीक अच्छे किंतु पनिशमेंट आउ टाइम कंज्यूमिंग सीसी रो लक्ष्य नुहे ऑप्शन नंबर सी हूँ आम करेक्ट आंसर। इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीसीई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ए लांगुएज इज ए डैश लर्निंग आम जो लांगुएज लर्न करा कौ टाइप से पचार कौ प्रोसेस ऑल इनक्लूसिव ना इंस्टेंट ना लास्ट ना ग्रेजुअल एटा गोटे ग्रेजुअल प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ग्रेजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय स्पीकिंग स्किल को आम डेवलप कर पारिबा केमती से पचार
तो स्पीकिंग स्किल को आम डेवलप कर स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन रे कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग करिबा। तो आम परस्पर ग्रुप है कि आम इंग्लीश जेकोसी भाषा आम कथबार्ता करवा निजर भाव आदान प्रदान कर द्वारा आम रियल लाइफ सिचुएशन डील करवा तार आम स्पीकिंग स्किल को आम डेवलप कर। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्री रीडिंग फॉर आम प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग आम सिलेबस रही आप देखिपे। तो प्री रीडिंग कौन पचार प्री रीडिंग इज फॉर डैश प्री रीडिंगटा कौन पर प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग रही तो प्री रीडिंगटा कौन पर पचार। तो ये आप ऑप्शन ऑलरेडी देखी सारी मुझे डायरेक्ट आंसर कर रखुच्छे। तो प्री रीडिंग आप कौन पर ना इट इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। प्री रीडिंग मैंने रीडिंग पूर्व आपको किसी कहुच्छे प्रस्तुत रीडिंग पूर्व तो इंट्रोड्यूसिंग मेन आइडिया आम मेन आइडिया पर आम इंट्रोड्यूस करेंगे मेन आइडिया आप जानपारे और पे मोटिवेट हे अभिप्रेरित हे। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। मेन आइडिया को मेन आइडिया भितर मेन आइडिया आम इंट्रोड्यूस करके पिला मोटिवेट करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रॉस वर्ड पजल इज यूज ड्यूरिंग द स्टेज द डे स्टेज ऑफ लेसन आम जो क्रॉस वर्ड पजल गुडाक आम यूज कराऊटा लेसन रो स्टेज रे पचारे लेसन रो पोस्ट रीडिंग स्टेज रे पोस्ट रीडिंग स्टेज रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द रियल लाइफ सिचुएशन। तो रियल लाइफ सिचुएशन सहित आम कौटा कनसर्न अटे से पचार कौटा जड़ित अटे फंक्शनल ग्रामर स्ट्रक्चरल ग्रामर ना फॉर्मल ना प्रोसेसिव। तो कौन हम करेक्ट आंसर पचार तो करेक्ट आंसर हो फंक्शनल ग्रामर फंक्शनल ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नॉन डिटेल प्रोज डेवलप्स नॉन डिटेल प्रोज आम कौन डेवलप कर पचार इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्रिटिकल नॉन ऑफ दिस। तो नॉन डिटेल प्रोज डेवलप कर एक्सटेंसिव रीडिंग को डेवलप कर। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ डैश से कहे आम जो टीचिंग आम इंग्लिश टीचिंग कर इंग्लिश भाषा तो आम कौन नॉलेज आम कौ नॉलेज अर्जन करने से पचार इंग्लिश टीचिंग रो लक्ष्य आमर कौ नलेजा को एक्वायर करने कौ नलेज अर्जन करने तो करेक्ट आंसर हो लैंग्वेज स्किल्स आमर जो LSRW आसुच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट पर कौटा गोटे उपयुक्त टूल नुहे से पचार असेसमेंट टूल पर रही सिलेबस ता सहित आमर आसेसमेंट रही सिलेबस। तो आसेसमेंट फॉर्मेटिव आसेसमेंट कौटा उपयुक्त टूल नुहे से पचार आसेसमेंट ओराल टर्म क्विज एंड गेम तो कौटा नुहे तो करेक्ट आंसर हो आप आराम से जानपरेंगे टर्म टेस्ट आम कौटे समेटिव अटे आमर जो मिड टर्म रोच मिड टर्म मान आम जो अर्धवार्षिक आउ एंड टर्म मान वार्षिक युवा समेटिव आसेसमेंट जा तो टर्म टेस्ट गुड़ाक समेटिव्रे जा बाकी आम क्विज एंड गेम ओराल क्वेश्चन आसाइनमेंट युवाक आम कौन ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट टूल अटे किंतु टर्म टेस्ट गुड़ाक आम मिड टर्म एंड टर्म युवा आम समेटिव आसेसमेंट हुए। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर टर्म टेस्ट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ यही जो मेथड गुड़ाक क्या सहित संप्रक्त अटे लिसनिंग सहित ना स्पीकिंग सहित ना रीडिंग सहित ना राइटिंग सहित तो करेक्ट आंसर होची रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स आम गोटे लांगुएज शिखा मान कौन से पचार लर्निंग ए लांगुएज मीन्स डैश। तो यार करेक्ट आंसर होची लर्निंग एंड यूजिंग लांगुएज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन अप्रोप्रिएट सिचुएशन रे आम लर्न करवा आम यूज करवा लांगुएज स्किल को आम यूज करवा यहाँ हूँ लर्निंग ए लांगुएज मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आम ही डाइव्ड डैश द वाटर एट इन इनटू ना ऑन से पानी भीतर को बा नदी की बा समुद्र को उड़ी मारिला कौन माने बाहर अच्छे सी भितर को जंप करुच्ची बाहर भितर को जाऊँ से इन लगे इन टू लगे
बाहर जब भितर को एंट्री करेंटी कौन हम इंटू लग फोर्स सहित तार गति सहित सी भितर को एंट्री कर इंटू लग हि डाइव इंटु द व्वाटर। नेक्स्ट रही फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वार्ड फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वार्ड शुद्ध शब्दा बाछिके लेख से पचारि फार्मास्यूटिकल 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 तो फार्मास्यूटिकल आम स्टार्ट हम पी रु आप एफ भावे तो यहाँ भूल हो गला आपर बाकी रहा फार्मास्यूटिकल 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 तीन टा रहा तो कौन हम सी पचारि तो ये आम देखो ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पी एच ए आर एम ए सी यू टी आई सी एल फार्मास्यूटिकल ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लियो टॉलस्टॉय रोट वार एंड पीस तो यहाँ को आम जब पैसिव एक्टिव अच्छी पैसिव कले कौन हम से पचारि पैसिव एक्टिव आम रही तो यहाँ एक्टिव अच्छी पैसिव कले कौन हम से पचारि वार एंड पीस वाज रिटर्न बाय लियो टॉलस्टॉय वार एंड पीस इज रिटर्न बाय लियो टॉलस्टॉय वार एंड पीस विल बी रिटर्न बाय लियो टॉलस्टॉय ना वार एंड पीस वाज बिंग रिटर्न बाय लियो टॉलस्टॉय तो ये आम कौन हम लियो टॉलस्टॉय रोट द रोट वार एंड पीस तो कौन हम वार एंड पीस वाज रिटर्न बाय लियो टॉलस्टॉय आमर कौन हम ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जीव तो आम जो रही यार चेंज हम यहीटा आम आगु जीव यमर ये कौन हम ना पछे जीव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आमर तार पोजिशन चेंज करेंगे आमर जो भर्ब थार्ड फर्म हम रोट अच्छी रिटर्न हो तो ये वार एंड पीस वाज रिटर्न बाय लियो टॉलस्टॉय ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर लेट्स गो ऑन ए पिकनिक इट इज डैश सेंटेंस आमर सेंटेंस रही टाइप ऑफ सेंटेंस अच्छे आम सिलेबस रे तो यहाँ कौ टाइप सेंटेंस डिक्लेरेटिव ना इंटरोगेटिव ना इंपेरेटिव ना एक्सक्लेमेटरी आप क्वेश्चन देखने जापरेंगे यहाँ आम विस्मय सूचक चिन्ह तो ना यहाँ तो हेबन के आम इंटरोगेटिव प्रश्न सूचक चिन्ह ना यहाँ भी हेबन के आम ए दुटा भर कन्फ्यूज हे लेट्स लगी मैंने भावे ये आम इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हम आम लेट्स लगी मैंने इंपेरेटिव एन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑप्शन नंबर सी है आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट कौ जोड़ीटा करेक्ट से पचारि आमर यह टाइप ऑफ सेंटेंस रो क्वेश्चन रही अब्दुल इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय एटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कही लेट अस मूव ऑन देटा इंपेरेटिव सेंटेंस कही हु टोल्ड यू दैट स्टोरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हाउ लकीली आई एस्केप्ड द एक्सीडेंट एटा इंटरोगेटिव सेंटेंस कही तो कौटा आमर ठीक अच्छे से पचार सेंटेंस आमर ठीक अटे बोली से पचारि कौ सेंटेंस आम ट्रु अटे से पचारि तो ये आम कौन हम देखु आप आराम से कहींपर कहीं ये आप जापर एक्सक्लेमेटरी मैंने विस्मय सूचक चिन्ह रहा दरकार ये आम फुल स्टॉप रही है यहाँ तो भूल होगा यहाँ करेक्ट नुह आप देखते ये प्रश्न सूचक अच्छे इंटरोगेटिव कथ डिक्लेरेटिव देती यहाँ भी भूल होगा आप देखते ये विस्मय सूचक रही है ये सी कहे प्रश्नवाचक कही इंटरोगेटिव मैंने प्रश्नवाचक यहाँ भी भूल होगा तो आम ठीक है कौटा ठीक है ऑप्शन नंबर बी लेट अच मूव ऑन लेट लगी इंपेरेटिव सेंटेंस आराम से बिंदास मारे आकी तीन टाइम आम जो रही जो विराम चिन्ह देखिए आप आराम से करेंगे कहीं ये आम दे प्रश्नवाचक कही कि विस्मय सूचक देती यहाँ भूल होगा ये आप प्रश्न सूचक देती डिक्लेरेटिव देती यहाँ भी भूल होगा ये आम फुल स्टॉप देती यहाँ कही एक्सक्लेमेटरी कही यहाँ भी भूल होगा तीन टाइम जगह एमती ही भूल आराम से काटदे तो कौन रहा लेट लगे मैंने मुझे इंपेरेटिव सेंटेंस लेट लगुच स्टार्टिंग रे तो ऑप्शन नंबर बी है आमर करेक्ट आंसर एटा इंपेरेटिव सेंटेंस अटे ये आम ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नून ये एट लगे ना इन लगे ना बिटवीन ना ऑन लगे तुम्हें डॉक्टर सहित देखा करपर 8 to 12 मध्यरे मैंने कौन बिटवीन लगे आउ यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM एंड 12 नून 8 to 12 मध्य आप डॉक्टर सहित देखा करपर ये बिटवीन लगे। नेक्स्ट रही आई विल कॉल यू डेज 6 o'clock ये एट लगे ना ऑन लगे ना इन लगे ना ऑफ लगे ये आम कौन हम 8 6 o'clock एट लगे ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड
कौटा आमर करेक्ट स्पेलिंग शुद्ध शब्द कौटा एक्सिलेन्स 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 कौन हम करेक्ट आंसर से पचार एक्सिलेन्स के भी हेनी आई हेनी आमर ये आप कौन हम ना ये डबल सी लगभन आमर कौन हम ये आप कौन रही एटा भी आमर भूल अच्छी तो ऑप्शन नंबर बी हे करेक्ट आंसर ई एक्सई एल एल ई एन सी एक्सिलेन्स ऑप्शन नंबर बी होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर जो एरर उपरे क्वेश्चन रही तो आई हैव टू सिस्टर इन लॉस हुज हस्बैंड्स आर वेल सेटल्ड कोटी एरर रही से पचारिछि आई हैव रे ना टू सिस्टर इन लॉस ना हुज हस्बैंड्स ना आर वेल वेल सेटल्ड तो ये करेक्ट आंसर हो टू सिस्टर इन लॉस ये एस लगे कथा ना टू दे तो एस लगे दरकार ना ये आम एरर रही ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौटा शुद्ध शब्द इरिलेवेंट 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 कौटा शुद्ध से पचार सॉरी तो ये आम करेक्ट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी इरिलेवेंट आई आर आर ई एल ई भि एन टी ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही पेडागोजी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग सो से कही ये आम कौ प्रकार क्या द्वारा आम पाने हेल्प मिल पाने हेल्प मिल से ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर ओन निजर ओन लर्निंग निजर शिक्षण पर ओन लर्निंग कही मैंने ये आम करेक्ट आंसर जीव पीर असेसमेंट पीर आसेसमेंट ओन लर्निंग सेल्फ लर्निंग कही मैंने पीर आसेसमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिलायबिलिटी इज द सेम एज रिलायबिलिटी क्या सहित सामान से पचार यहाँ नॉर्मल पेडागोजी क्वेश्चन आसूँ रिलायबिलिटी क्या सहित सामान कंसिस्टेंसी रिलेवेंसी रिप्रेजेंटेटिवनेस ना यूजफुलनेस तो रिलायबिलिटी आमर क्या सामान ना कनसीस्टेन्सी रिलायबिलिटी कनसीस्टेन्सी रोचे जदि कौन आम स्टूडेंट मानक एग्जाम कर मार्च रगला शहे रु अशी रखुंट जून रगला शहे रु अशी एकाशी रखुं डिसेम्बर कला से रखिंट माने से जो लब्धांक मार्क स्कोर में स्थिरता रोचा हूँ रिलायबिलिटी तो कनसीस्टेन्सी मान कौन स्थिरता तो रिलायबिलिटी कनसीस्टेन्सी सहित सामान कनसीस्टेन्सी सहित सामान ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर कनसीस्टेन्सी आउ रिलेवेन्सी आम वैलिडिटी सहित रिलेटेड वैलिडिटी सहित रिलेटेड रिलेवेन्सी तो ये आम करेक्ट आंसर होती है ऑप्शन नंबर ए कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट ए कोर्स इज कॉल्ड से कहते गोटे असेसमेंट जहाँ कि साधारणतः आम कोर्स चली समय कोर्स चली समय क्लास चली समय जो असेसमेंट कराए से कौन कहुए आमर ड्यूरींग दे थ्रू आउट दे थो तो ये बिंदास मारे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहुए मैंने क्लास चली समय क्लास मध्य ड्यूरींग द क्लास थ्रू आउट द क्लास एसब लगी बिंदास मारे फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही दैट मटेरियल यूज्ड बाय ए टीचर टू मेक हिज रीचिंग वेरी इफेक्टिव इज कॉल्ड से कहते जे जो टीचर माने तांकर जो पढ़ेवा शैली को अधिक प्रभावशाली करने से माने किसी मटेरियल को यूज करछंती कौन कहुए जो मटेरियल द्वारा पे सहजे बुझीपारे सेटा कौन कहुए ना टीएलएम कहुए टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑप्शन नंबर थ्री हम करेक्ट आंसर टीएलएम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट लैंग्वेज स्किल आम कमी शिखा उचित लिसनिंग शुणी शुणी की रीडिंग ना राइटिंग ना एन इंटेग्रेटेड मैनर तो लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट इन एन इंटेग्रेटेड मैनर ऑप्शन नंबर डी होउची करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए डैश इंग्लिश टा इंडिया रे को भलिया शिक्षा जाए ना से पचार फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी स्कूल लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन तो इंग्लिश को आम स्कूल कंपलसरी रखा जा लैंग्वेज रूपे पढ़ा जाऊँगी आउ कम्प्रेनसन लांगुएज कम्प्रेनसन आंगुएज कम्युनिकेशन किंतु फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से आम इंग्लिश को सीखा जाए ना ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परपोज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग
क्रिएटिव राइटिंग रिगार्डिंग सृजनशील लिखन पाई कोटा उद्देश्य नुहे तो आमर सेल्फ एक्सप्रेशन देची कमांड ऑफ लैंग्वेज देची रिपीटेशन देची नन ऑफ दिस देची तो क्रिएटिव राइटिंग माने से ता निज मनर किछि भाबी कि लेखिबो सेटा क्रिएटिव राइटिंग कह जाए तो ये हमारा आप ऑप्शन देखले जानी परिबे रिपीटेशन रिपीट करबा गोटे जिन सब बारंबार पुनः पुनः से पुनरावृत्ति करबा रिपीटेशन टा हमर क्रिएटिव क्रिएटिव राइटिंग रो तार गोटे इंडिकेटर नुहे तो एटा गोटे नेगेटिव पॉइंट रही तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर रिपीटेशन इज नॉट ए पर्पोज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग कौन से किसी नुआ करा रिपीट करिबो ना तो नुआ करिबो किसी नुआ तम भाविक लिखो तो रिपीटेशन टा के भी जाए ना तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर रिपीटेशन इज नॉट ए पर्पोज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन एम ऑफ टीचिंग प्रोज इन इंग्लिश इज टू एनलार्ज डैश वोकाबुलरी देची एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस देची ग्रास्प द आइडिया ऑफ द ऑथर देची मोटिवेट द लर्नर देची तो द मेन एम से पचार छी हमर प्रो इंग्लिश प्रोज शिक्षा मेन एम कौन से पचार छी तो हमर वोकाबुलरी को हबो तापर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हबो ग्रास्प द आइडिया ऑफ ऑथर ऑथर आइडिया हबो मोटिवेट लर्नर हबो तो सब गुडा हबो ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर 1, 2, 3, and 4। तो फ्रेंड्स ये टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 50 के स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनई पारे जदि भिडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकारू अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे शेयर करेंगे आउ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और ताकि ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त भिडियोर नोटिफिकेसन पाइपर तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।